आज भारत एक ऐसी परिस्थिति में है कि आप देखिए, अब G20 के प्रमुख तो मोदी जी है ही, लेकिन आप में से कितनों ने देखा मुझे पता नहीं, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े थे तो सारे देशों के राष्ट्रपति उनसे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह थी कि मोदी जी किसी राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके पीछे खड़े हुए राह देख रहे थे कि कब मोदी जी पलटकर मुझसे हाथ मिलाए, और बाद में मोदी जी ने पलटकर उनसे हाथ मिलाया। ये हमने देखा नहीं था। हमने देखा था मनमोहन सिंह जी भले आदमी थे, ठीक आदमी थे, अच्छे आदमी थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मंच पर फोटो में नजर ही नहीं आते थे, क्योंकि लास्ट लाइन में उनको खड़ा कर दिया जाता था, उनकी ओर कोई देखने को तैयार ही नहीं होता था। तो भारत को ये जो गौरव आज प्राप्त हो रहा है, आज दुनिया में एक तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था, 2030 में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, और मोदी जी ने जो टारगेट तय किया है उस हिसाब से जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम होंगे, तब दुनिया का सबसे विकसित देश हम होंगे। ये जो इस देश को एक नए तरीके से परिभाषित करने का काम और कितने समय में किया, केवल 9 सालों में ये परिवर्तन मोदी जी ने लाया। आज मैं इससे पहले कॉलेज में गया था और वहां पर बच्चों के सामने मेरा एक भाषण हुआ, तब मैं ये कह रहा था कि नई एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी जी ने लाई, आज वो एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बाद, 30 सालों के बाद, 1983 के बाद ये एजुकेशन पॉलिसी आज हम लोगों के बीच आई है, और एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी कि जो भारत के युवाओं को रोजगार क्षम बनाएगी। पहली बार इस एजुकेशन पॉलिसी ने हमारे बच्चों के लिए आज जॉब के द्वार खोले हैं। आज जो जॉब मार्केट है उससे शिक्षा का लिंकेज करने वाली, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, ये एजुकेशन पॉलिसी ये हमारी भारतीय भाषाओं को महत्व देने वाली एजुकेशन पॉलिसी है। आज तक हम उच्च शिक्षा और तंत्र शिक्षा केवल अंग्रेजी में ले सकते थे, अंग्रेजी के सिवा ले नहीं सकते थे, और दुनिया में हम देखते हैं, देखिए दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स जर्मनी में तैयार किए, वहां जर्मन भाषा में वो पढ़ते हैं, दुनिया का बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ये जापानी और कोरियन लोगों ने तैयार किया, जापानी लोग जापानी भाषा में, कोरियन लोग कोरियन भाषा में पढ़ते हैं। आज दुनिया का मार्केट ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए चीन की ओर देखता है, वो चीनी भाषा में पढ़ते हैं। तो जब दुनिया में सारे के सारे देश जिन्होंने महारत हासिल की वो अपनी भाषाओं में पढ़कर बड़े हुए, तो हम लोग अपनी भाषा में क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि साइंटिफिकली ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जब व्यक्ति को मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो उसका दिमाग ज्यादा चलता है, उसके दिमाग में ग्रास्पिंग ज्यादा होता है, उसको नॉलेज मिलता है, उसको ज्ञान मिलता है, केवल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। और इसलिए मोदी जी ने यह फैसला किया कि इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो चाहे लॉ हो, सारी चीजें अपनी भाषाओं में सीखने का अवसर भी हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। और मुझे बहुत खुशी है कि NEP के आने के बाद पहला राज्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्वीकारने वाला राज्य था हमारा कर्नाटक राज्य। BJP की सरकार ने सबसे पहले उसको स्वीकारा, और केवल स्वीकारा नहीं तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए कन्नड़ा में पूरा सिलेबस तैयार हुआ, किताबें तैयार हुई, और आज हमारे बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल भी कन्नड़ भाषा में सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन किया है, बहुत आमूलचूल इस प्रकार का परिवर्तन हमारे देश के अंदर आदरणीय मोदी जी ने किया है।